जब ये बिल लेकर मैं सदन के सामने उपस्थित हुआ तब मैंने कहा था कि बिल उन लाखों करोड़ों शरणार्थियों की यातना का अंत करने वाला बिल है जो आज नरक का जीवन जी है। अध्यक्ष जी भाई आप बोल, माननीय सदस्य अध्यक्ष जी आप अध्यक्ष जी एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। मैं एक बात मेरा निवेदन है, मैं आपसे संरक्षण चाहता हूं। सारे लोग बोले हमने धैर्य से सुना है, बात सच्ची हो हमें ठीक लगे न लगे, हमारे विचार से इत्तेफाक रखती हो न रखती हो, सबको धैर्य से सुना है। मेरा आपके माध्यम से सभी सदस्यों से निवेदन है कि अब मुझे भी धैर्य से सुन। माननीय सदस्यगण और बीच में टोका टाकी न कर, एक मिनट आसन से व्यवस्था बोलूं मैं। माननीय सदस्यगण व्यवस्था सब मानेंगे ना, बीच माननीय सदस्यगण सभी सदस्यों से मेरा आग्रह है कि इस सदन में एक अच्छी बहस हुई है, चर्चा हुई है और सभी सदस्यों को पर्याप्त अवसर दिया है। जितना समय आवंटित था उस आवंटित समय से ज्यादा समय सभी राजनीतिक दलों को भी दिया है, व्यक्तिगत सदस्यों को भी दिया है। इसलिए मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं कि हम सबको इस महत्वपूर्ण विधेयक पर गृह मंत्री जी का वक्तव्य सुनना चाहिए, उसके बाद सदन तय करेगा कि आप जो फैसला करेंगे उस विधेयक के बारे में अंतिम फैसला आप सबकी सहमति से होगा। अध्यक्ष महोदय, मेरे बिल को प्रस्तुत करने के बाद श्री मनीष तिवारी से लेकर श्री राजू बीच तक सभी दलों के 48 सदस्यों ने पक्ष और विपक्ष दोनों के इस बिल की चर्चा में हिस्सा लिया है। महोदय, मैंने पहले ही कहा कि बिल लाखों करोड़ों शरणार्थियों के यातनापूर्ण नर्क जैसे जीवन से उनको मुक्ति दिलाने का साधन बनने जा रहा है और मुझे बहुत आनंद है कि आज ये लाखों करोड़ों शरणार्थी जो भारत के प्रति श्रद्धा रखते हुए हमारे देश में आए थे उनको नागरिकता और संवैधानिक सम्मान देने का काम ये बिल के माध्यम से, जब ये बिल पारित होगा, हो जाएगा। अध्यक्ष जी, काफी सारे सदस्यों ने इसमें हिस्सा लिया है, बहुत सारी चीजों का रिपीटेशन भी हुआ है, मगर मैं एक एक कर सभी का जवाब जरूर देना चाहता हूं, क्योंकि ये बिल के बारे में जो अपप्रचार हो रहा है, जो भ्रांति फैलाई जा रही है, मैं नहीं चाहता कि इस बिल के माध्यम से, इस सदन की चर्चा के माध्यम से भारत के किसी भी कोने में वो भ्रांति फैले ना वो भ्रांति टिक पाए। माननीय सदस्य उनके प्रॉब्लम है, उनकी समस्या है। सभापति महोदय, श्री मनीष तिवारी जी ने सबसे पहले और बाकी काफी सारे सदस्यों ने, अंत तक श्री प्रेमचंद्रन जी और बाकी सारे सदस्यों ने, शशि थरूर जी ने भी आर्टिकल 14 का हवाला देते हुए इस बिल को गैर संवैधानिक करार दिया। मैं माननीय अध्यक्ष जी सभी सदस्यों को, सदन को और आपके माध्यम से सदन के सदस्यों को, सदस्यों के माध्यम से पूरे देश की जनता को कहना चाहता हूं
कि किसी भी डायमेंशन से ये बिल गैर संवैधानिक नहीं है, ना आर्टिकल 14 का उल्लंघन करता है। आर्टिकल 14 में जो समानता का अधिकार दिया है उसके तहत मैंने पहले भी कहा कि रीजनेबल क्लासिफिकेशन के आधार पर कानून बनाने से आर्टिकल 14 में कोई रोक नहीं है। अब मैं थोड़ा इसको एक्सप्लेन करना चाहता हूं, थोड़ा बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा, हो सकता है मेरी बात सबको अच्छी न लगे मगर सुनने का धैर्य भी रखना चाहिए, क्योंकि इसी में से एक कैसे गैर संवैधानिक नहीं है इसका तर्क खड़ा होता है। मान्यवर, अच्छा तो यह था कि इस देश का विभाजन धर्म के आधार पर न होता। अगर ये देश का विभाजन धर्म के आधार पर न होता तो बिल लेकर मुझे आने की जरूरत ही नहीं पड़ती। इस देश का विभाजन धर्म के आधार पर हुआ ये वास्तविकता है, वास्तविकता को इस सदन ने स्वीकार करना चाहिए। जब विभाजन धर्म के आधार पर होता है तो आप इसको स्वीकारे बगैर आगे नहीं चल सकते हो। धर्म के आधार पर विभाजन हुआ, जिस हिस्से में मुस्लिम भाई ज्यादा रहते थे उस हिस्से को पाकिस्तान के नाम से अलग देश बनाया गया और भारत का बचा हुआ हिस्सा भारतीय संघ के नाम से प्रस्तापित हुआ, जो आज हमारा भारत देश है। आगे चलकर पाकिस्तान के में भी पश्चिम पाकिस्तान था और पूर्वी पाकिस्तान था, वो बांग्लादेश में तब्दील हुआ, मगर बीच में एक विभीषिका आई, दोनों ओर से शरणार्थियों का आना जाना, मार काट, बलात्कार, लूट, ढेर सारे परिवारों ने यातना को झेला है। जिन्होंने विभाजन की यातना को झेला है वो ही बता सकते हैं मान्यवर कि ये यातना कितनी कड़ी और कठिन। मगर इसके बाद क्या हुआ मान्यवर? नेहरू लियाकत समझौता हुआ। 1950 में दिल्ली में एक नेहरू लियाकत समझौता हुआ और वो समझौते के तहत ये निश्चित किया गया कि दोनों देश अपने अपने अल्पसंख्यकों का ध्यान रखेंगे, भारत भी रखेगा, पाकिस्तान भी रखेगा और बाद में बांग्लादेश बना। मान्यवर, मैं ये सब इसलिए बताता हूं कि ये जो बिल लेकर सरकार आई है इसकी एक पृष्ठभूमि और ये दोनों देशों के सरकारों ने एक दूसरे को विश्वास दिलाया था कि पाकिस्तान के अंदर जो हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, क्रिश्चियन, पारसी हैं उनके ही पाकिस्तान ध्यान रखेगा, यहां पर भी जो माइनॉरिटी है, मुसलमान है, क्रिश्चियन है, पारसी है, बौद्ध है, जैन है, उसका हिंदुस्तान ध्यान रखेगा, भारत ध्यान रखेगा। मगर ऐसा हुआ नहीं मान्यवर, ऐसा हुआ नहीं। मैं उस पर बाद में आऊंगा, मगर 1950 का नेहरू लियाकत समझौता मान्यवर धरा का धरा रह गया। अब मैं जरा जिन तीन देशों से लघुमति को हम नागरिक बनाने का वादा इस बिल के माध्यम से कर रहे हैं, माइनॉरिटी को नागरिक बनाने का वादा कर रहे हैं, वो तीन देशों के संवैधानिक स्टेटस पर जानना चाहता हूं, उनके राज्य की स्थिति पर जानना चाहता हूं। मान्यवर, अफगानिस्तान, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान के अनुच्छेद 2 में निम्नलिखित प्रावधान किया है, पवित्र धर्म इस्लाम इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान का धर्म है, मतलब वहां पर इस्लाम को राज्य के धर्म के रूप में मान्यता दी है। पाकिस्तान इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान के संविधान के अनुच्छेद 2 में लिखा गया है पाकिस्तान राज्य का धर्म इस्लाम होगा। बांग्लादेश जब बना तब तो उसका संविधान सेक्युलर था, 1988 में इसमें बदलाव किया गया और इसमें लिखा गया रिपब्लिक का राज्य धर्म इस्लाम है। ये तीनों देशों के अंदर राज्य धर्म इस्लाम है, इसको मान्यता हमने नहीं दी है मान्यवर। वहां के मैं आता हूं, सब बोलूंगा भाई, एक एक चीज का जवाब दूंगा, बाद में आपको चाहिए तो कल सुबह तक बैठूंगा, मुझे टोकिए मत। मान्यवर, तीनों राज्यों के देशों के जो धर्म
संविधान के अंदर लिखे गए हैं वो बताना इसलिए जरूरी है कि वहां पर माइनॉरिटी को न्याय मिलने की संभावना इसी से क्षीण हो जाती है, लगभग समाप्त हो जाती है। माननीय, उसके बाद में मैं क्या हुआ डिटेल में बहुत सारे सदस्यों ने बताया, कितनी प्रताड़ना हुई, कैसी घटनाएं हुई वो बाद में बताऊंगा, मगर ये दोनों तथ्य बताने के बाद मैं ये स्थिति पर इस स्थिति से आगे सदन को ले जाना चाहता हूं कि जो उसके बाद में 40-50 साल में हुआ वो क्या हुआ। माननीय, 1947 में पाकिस्तान के अंदर अल्पसंख्यकों की आबादी 23%। जरा ध्यान से सुनो दादा, ध्यान से सुनो, पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों की आबादी 1947 में 23% थी और 2011 में 23% से कम होकर 3.7% हो गई। माननीय, बांग्लादेश में 47 में बांग्लादेश के अंदर अल्पसंख्यकों की आबादी 22% थी और 2011 में वो कम होकर 7.8% हो गई। मान्यवर, कहां गए लोग, कहां गए? या तो उनका धर्म परिवर्तन हो गया, या तो भारत में आए, या तो मार दिए गए, या तो प्रताड़ित करकर भगा दिए गए। मैं पूछना चाहता हूं, जो लोग विरोध करते हैं ये माइनॉरिटी का, ये अल्पसंख्यक जो हिंदू, सिख, बौद्ध, ईसाई, जैन, पारसी है, क्रिश्चियन है, इनका दोष क्या है? क्या दोष है उनका? उनको इस प्रकार से छीन कर दिया गया। हम चाहते हैं मान्यवर कि उनका अस्तित्व बना रहे और सम्मान के साथ दुनिया के सर से। मान्यवर, इनको बिठा दीजिए, इनको बिठा दीजिए जरा। और मान्यवर, बैठ जाओ भाई, मैं आता हूं, इस पर भी आता हूं, मैं इस पर भी आता हूं। मान्यवर, ये ठीक नहीं है, मान्यवर ये ठीक नहीं है, इनको आपको रोकना चाहिए। मान्यवर, और आप लोग, पूरी दुनिया देख रही है, भारत के संविधान को कोई कह रहा है कि हिंदू राष्ट्र बनने जा रहा है, भारत का संविधान पक्षपात कर रहा है। मैं आज आपको बताना चाहता हूं भारत में क्या हुआ। मान्यवर, भारत के अंदर 1951 में, भारत के अंदर 1991 में 84% हिंदू था और 2011 में वो 84% से घटकर 79% हुआ। यहां पर आबादी नहीं बढ़ी है, वहां पर आबादी बढ़ी है। और मुस्लिम 1951, सुन लो भाई, 1951 में मुस्लिम, मान्यवर, 1951 में यहां पर मुसलमान 9.8% था, आज 14.23% है। हमने किसी के साथ धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करा है। और मैं इस सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूं, आगे पर भी धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं होगा, इसका मैं सदन को विश्वास दिलाना। परंतु धर्म के आधार पर, अगर पड़ोस के देश के अंदर धर्म के आधार पर वहीं की अल्पसंख्यकों के साथ अत्याचार हो रहा है, प्रताड़ना हो रही है, तो भारत मुख दर्शक बनकर रह नहीं सकता। उनको बचाना पड़ेगा, उनको सम्मान देना पड़ेगा, उनको स्वीकारना।